अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहूँ वो एक हेल्दी पाउडर बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले पैन में जो है वो बटर ऐड करना है। बटर ऐड करने के बाद जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, जिसमें मैंने जो है वो बादाम, पिस्ते, मखाने और चने ऐड किए हैं। अच्छे से इसको फ्राई करना है, इतनी देर फ्राई करना है कि इसके जो है वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाए और इन पे अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद जो है उसको एक बाउल में कन्वर्ट कर देना है। उसी पैन में जो है वो 1 कप सूजी डाल कर जो है वो भी अच्छी तरीके से भून लेनी है, और सूजी डालने के बाद जो है वो इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज़ इतने ड्राई फ्रूट्स जो है वो इनफ होते हैं, क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सूजी में से अच्छी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, सूजी को जो है वो मिक्स कर देना है। साथ में जो है जो ड्राई फ्रूट्स होंगे उसका पाउडर बना के सूजी को ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर देना है अच्छे से, और इसको एक बॉटल में कंटेनर में फिल कर लेना है। ये इजली जो है वो आराम से 6 to 8 months तक जो है हम यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें फंगस वगैरह या कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसमें ये होता है कि जब आप स्पून अंदर इंसर्ट करें तो वो स्पून जो है वो वेट ना होना चाहिए, गीला स्पून नहीं यूज़ करना है। जब आप स्पून यूज़ करें हमेशा स्पून जो है वो ड्राई स्पून यूज़ करें, ताकि जो है वो ख़राब ना हो। आपको जब भी यूज़ करना हो तो इस तरीके से जो है वो एक स्पून जो है वो यूज़ कर लें, अपने डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। और ये बेस्ट होता है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। और ये जो है इसमें आप जो है वो शुगर और गुड़ का पाउडर भी यहाँ इस पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है, ताकि ये कोई भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि अगर शुगर पेशेंट है या एजड वगैरह है या आप बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो शुगर का कंज्यूम जो है वो कम से कम कोशिश करें। तो इसलिए जो है अगर आपको यूज़ करना हो तो आपके लिए बेस्ट है कि जब आप इसको बना रहे हो तो उसके अंदर जो है वो 1 teaspoon जो है वो हनी ऐड कर दें। जैसे मैंने यहाँ मिल्क को जो है वो अच्छे से विस्क कर लिया था, ताकि थोड़ा सा जो है वो टेक्सचर जो है वो मिल्क का क्रीमी सा हो जाए। कप में जो है वो सबसे पहले जो है वो 2 teaspoon उसी इम्यूनिटी बूस्टर जो पाउडर बनाया है उसके ऐड करना है। साथ में जो है वो हमेशा जो इसके लिए मिल्क यूज़ करें वो हमेशा जो है वो गर्म मिल्क यूज़ करें, ताकि जो है टेस्ट और इन्हेंस होगा। और साथ में 1 teaspoon जो है मैंने हनी ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको 3 to 4 minutes तक वेट करना है और फिर इसको पीना है। साथ में जो है मैंने इसमें मखाने भी ऐड करे हैं, आप अगर चाहे तो मखाने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही पी लेना है तो आप ऐसे भी पी सकते हैं इसको। बाकी इसका सेकंड मेथड ये होता है कि आप इसको जो है मैंने इस तरीके से कहे, तो आप डायरेक्ट चूल्हे पर भी रख के जो है वो कर सकते हैं। चूल्हे के ऊपर जो है वो मिल्क रख के पाउडर ऐड करें, उसके ऊपर हनी ऐड करें और चूल्हे पर रख के अच्छे तरह गर्म करें, और फिर इसको जो है कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 7 days चैलेंज होता है कि बॉडी में किसी भी तरह की जो है वो वीकनेस वगैरह होती है, या जॉइंट्स पेन होता है, या कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, अगर ये 7 days तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो इससे जो है वो बॉडी में जो है बहुत अफेक्टिव रिजल्ट शो होता है।